अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 10th मैथ्स क्लास। आई एम अली रज़ा फ्रॉम मुस्लिम स्कूल शेखुपुरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2 इन विच वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट, कल मैंने आपको एक पेज सेंड किया था जिसके ऊपर मैंने अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के दो मेथड्स जो थे वो लिखे हुए थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मेथड, और साथ ही साथ उसमें मैंने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को भी मेंशन किया। ग्रुप डाटा को मेंशन किया था कि ग्रुप डाटा क्या होता है, अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस कॉल्ड ग्रुप डाटा। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है ये ग्रुप डाटा है, इसमें से आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन होगा, जो डाटा गिवन होगा, वो सिर्फ क्या होगा, देखिए उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दो चीज़ें आपके पास होंगी, क्लासेस होंगी और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी होगी। क्लासेस है यानी कि ऊपर लिखा होगा कि कोई एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में, एग्ज़ाम में सर्टन एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 2 है, 10 से लेकर 19 नंबर हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 10 है, 20 से लेकर 29 नंबर हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 5 है, 30 से लेकर 39 तक की तादाद 9 है, 40 से लेकर 49 तक की तादाद 6 है, और उसके बाद 50 से 59 तक 7 है, और 60 से 69 तक 1 है। तो इट्स मीन जब आप फ्रीक्वेंसी का सम अप करते हैं तो उसको समेशन एफ लिखते हैं, और समेशन एफ आपके पास आएगा 40। इट्स मीन उस क्लास के बच्चों की तादाद जो है वो कितनी है, 40 है। तो इन चीज़ों को यूज़ करके आपने क्या करना है, आपने अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वो क्या है, वो ये है, एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या क्या चीज़ें मालूम करनी हैं। समेशन एफ आपके पास ऑलरेडी है, अब आपको चाहिए समेशन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स आपको चाहिए। एफ आपके पास है लेकिन एक्स आपके पास नहीं है, तो एक्स आप किस तरीके से निकालेंगे, देखिए वो मैंने थर्ड वाला जो कॉलम बनाया है एक्स वाला, वो किस तरीके से बनेगा। उसमें क्या करते हैं आप, जो आपके पास क्लास गिवन होती है, ये आपके पास क्लास है जिसके एलिमेंट हैं, जो पहला एलिमेंट होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाला जो आगे वाला एलिमेंट होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है उसको आप अपर एलिमेंट बोलते हैं, या लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट आपके पास 0 है और अपर लिमिट आपके पास 9 है। तो जब आपने एक्स फाइंड करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं, 0 और 9 को प्लस किया जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, और वो आपके सामने ये 4.5 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 और 9 19, 2 पे डिवाइड करेंगे, 10 और 19 जो प्लस करेंगे 29, 2 पे डिवाइड करेंगे 14.5। सिमिलरली 20 29, इन सब को प्लस करते जाएं, 2 पे डिवाइड करते जाएं, तो आपके पास तमाम एक्स निकल आएगा। उसके बाद आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एफ एक्स, तो आप एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास एफ है, ये आपके पास एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 9, एफ एक्स 145, एफ एक्स 122.5, 9 एफ है और 34.5 एक्स है, इनको मल्टीप्लाई किया 310.5, 6 और 45 को मल्टीप्लाई किया 265, 7 और 54.5 को मल्टीप्लाई किया 381.5, 1 और 64.5 को मल्टीप्लाई किया 65। तो आपने समेशन एफ एक्स करना था, पहले आपने एफ एक्स निकाला, क्यों, क्योंकि आपको समेशन एफ एक्स चाहिए। तो अब आप एफ एक्स की तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर देंगे, 9 145, इन सब कुछ प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा समेशन एफ एक्स, वो कितना आएगा, 1300। अब स्टूडेंट, आपके पास जो फार्मूला है आप उसमें पुट कर देंगे डाटा, समेशन एफ एक्स की जगह पर आपने लिखा 1300, समेशन एफ की जगह पर आपने लिखा 40, आप 1300 को 40 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 32.5। तो ये आपने डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन को फाइंड कर लिया। अगर क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो और आपके पास कोई मेथड मेंशन ना हो
तो आप डायरेक्ट मेथड को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये इजी है। उसके बाद इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड का भी आप फार्मूला देख लें पहले, वो क्या लिखा हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ है। तो इसमें भी आपने सबसे पहले तो डी फाइंड करना है, तो डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए के, तो ए आपको ज्यूम करना पड़ेगा, तो ए आप एक्स में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो वो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने वैल्यू उसमें से एक्स में से 4.5 ले ली ए। उसके बाद डी किसके बराबर है स्टूडेंट, डी बराबर है एक्स माइनस ए के, तो 4.5 माइनस 4.50 आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो ए है ए की जगह पर यहाँ पर जो है आप ऊपर 4.5 लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब आपने करना क्या है, एक्स में से 4.5 को माइनस करते जाना, ज़ीरो हो गया, 14 में से 4.5 10, आगे फिर 20 30 40 50 और 60 इसी तरीके से एज इट इज चलता रहेगा। तो ये आपके पास डी आ गया। आपको चाहिए क्या, समेशन एफ डी चाहिए, तो अब आप इसमें भी क्या करेंगे, एफ और डी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये अब आपके पास ये एफ है, ये आपके पास डी है, ये एफ है, ये डी है। 200 10 10 are 100, 520 are 100, 930 are 270, 640 are 240, 750 are 350 और 160 are 60 हो गया। अब आप इन सबको प्लस करेंगे तो समेशन एफ डी आ गया आपके पास 1120। अब आप फार्मूले में पुट कर दें, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, ए की जगह पे आ गया 4.5, समेशन एफ डी की जगह पे 1120, समेशन एफ आ गया 40, 4.5 स्टूडेंट एज इट इज रहा। 1120 को आपने 40 पे डिवाइड किया 28 आ गया, 4.5 को 28 में प्लस किया तो 32.5 आ गया। स्टूडेंट चाहे आप मेथड क्वेश्चन को डायरेक्ट से करें चाहे इनडायरेक्ट से करें, आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा। तो अब आपका काम क्या है, आपकी असाइनमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व, तो उसमें चार चीज़ें मालूम करनी है आपने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से आपने अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है, उसके साथ आपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मालूम करना है। तो ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को अर्थमेटिक मीन और जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों तरीकों से आपने मालूम करना है, और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में आपको खुद से करवाऊंगा। तो आपकी जो कल की असाइनमेंट है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके से। उसमें जो अज्यूम्ड वैल्यू आपने करनी है, जो दूसरा इनडायरेक्ट मेथड में आपने अज्यूम्ड वैल्यू लेनी है, उसने खुद सपोज किया कि आप उसको 8 ले लें, तो आप 8 ले लें और 8 के साथ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें तो हमने अज्यूम्ड वैल्यू 4.5 ली है ना डी, उसमें आपने 8 लेनी है। वो क्वेश्चन में हिंट भी आपको गिवन होगा, तो उसको आपने सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, अस्सलाम वालेकुम।